मीठे लड्डू तो बहुत खाए हैं, क्या आपने कभी तीखे और चटखारे लड्डू खाए हैं? नहीं ना, तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यहाँ पे हम आज बना रहे थे चटखारे और बहुत ही आला किस्म के लड्डू। तो यहाँ पे हमें सौंफ, धनिया, जीरा और काली मिर्च का अच्छे से पाउडर पेस्ट बना लेना है, उसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमने हरा मूंग लिया था जिसे हमने भिगो के रखा था, अच्छा सा पेस्ट बना लिया। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, पालक, कोरिएंडर एंड मिर्ची। अब जो पाउडर मसाला था वो भी ऐड कर देंगे, और रेड चिल्ली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा हींग भी ऐड कर देना है, और हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो जान डाला है, वो जो मसाला हमने बताया था स्टार्टिंग में, वो मसाले की वजह से ही बहुत फ्लेवरफुल और बहुत लाजवाब बनता है, तो वो मसाला लाजमी ऐड करें। अब यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया था, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और हमने दाल देख सकते हो किस तरीके से इसे पीसा हुआ है, थोड़े से इसमें खड़े दाल भी है, तो एकदम बारीक पेस्ट ही नहीं बना लेना है। अब इसे हम लड्डू का शेप देते हुए इसे डीप फ्राई करेंगे ऑयल में, और ये इतना लाजवाब बनता है, एक बार जरूर बनाना, आप खुद कहेंगे बहुत आला। तो यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी थी, इसे हम डीप फ्राई कर रहे हैं। और इस वक्त तो बारिशों का मौसम भी आने वाला है जल्द ही, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाना, ट्राई करना, सभी को पसंद आने वाली है आपके घरों में। तो हमारा जो पकौड़ा है हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते जाएंगे, और जब ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। ये ऊपर से बहुत क्रंची होता है और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ये रेसिपी तो आप लाजमी ट्राई करें, बिकॉज बहुत मजे की बनती है, आपके घर में जो खाएगा, और सबसे पहले आप अगर खाएंगे तो आप भी बोलेंगे बहुत लाजवाब रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।